हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा केमिकल बॉन्डिंग का शॉर्ट नोट की बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको चालू लेक्चर में मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में तब आपको ये वाली शॉर्ट नोट दी थी। अभी मैं अलग से इसको आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो आपने पहले जो डीएनए ब्लॉक के लिए जो मैंने शॉर्ट नोट दी थी उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इसे भी देना आप। तो अगर आपको सही में इससे वैल्यू मिलती है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ऑक्टेट रूल की पहले इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैंने लिखी है जो एग्जाम में आती है, फालतू की चीजें मैंने बिल्कुल भी नहीं रखी है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं मेरे को, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन का अगर देखने को मिल जाए तब जाके मेरा ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। यार ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी वैलेंसी। आप बोलोगे ये तो हमें पता ही है क्यों लिख के दी है, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वैलेंसी फॉर्मल चार्ज वगैरह निकालने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, तो आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारा लिथियम बेरियम बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4, मतलब इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने शेल है इसकी बात करता है, ठीक है। उसके बाद CO2 की देखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से मेजर करते हैं आपको बता दिया कि इस तरीके से आपका डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आपको मेजर करना होता है। इस तरीके के डॉट स्ट्रक्चर बनाकर आपको कार्बन कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड देखना है, और जब आप ये देख लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका कितना इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 8 इलेक्ट्रॉन सारे एटम के होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे मेरे, हाइपर वैलेंट। क्या हो जाएंगे, हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट, ठीक है। और 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम देखने को मिलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपो वैलेंट, हाइपो वैलेंट, ठीक है। ये मेरा हाइपर वैलेंट, और 8 इलेक्ट्रॉन से जब आपको कम देखने को मिलेगा तो आपको हाइपो वैलेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, यहाँ पे बात करता हूँ मैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्लीज याद रख लेना, जितने भी मेरे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसके अलावा आपको कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को नहीं मिलेगी। इनके अलावा कहीं से भी पढ़ लो, इन पांचों के अलावा इतनी ही आपके सिलेबस में दे रखी है। इनके अलावा आपको कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं दिया रहेगा। CLO2, NO2, NO, CH3, मीथेन और CF3, तो इनको प्लीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देखने मिल जाएगा मिल जाएगा। तो आपको प्लीज ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर बॉन्डिंग क्या हो जाता है, इनके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, शो शो नहीं करेगा। तो ये इनके अंदर क्या देखने को होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 3 5 7 इस तरीके के ऑल इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, तो ये बॉन्डिंग शो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम NO2 की बात करेंगे। तो NO2 की दो स्ट्रक्चर बनते हैं, N2O के दो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। NO2 तो मेरा ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, N2O के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए लिख के रखा कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनता है और एक ट्रिपल बॉन्ड का साथ में एक स्ट्रक्चर बनता है। ये लेस स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जीरो चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इधर मोर स्टेबल क्यों हो जाता है, ये इसके अंदर मोर स्टेबल इसलिए हो जाता है कि नेगेटिव जो है मेरा मोर ई एन के ऊपर एटम के ऊपर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मल चार्ज निकालते आना चाहिए आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ्री स्टेट में जितने होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट, मतलब जितने एक्चुअल में होते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं मेरे, 6 होते हैं, और मेरे को दे कितने रखे, 5 1 2 3 4 5 दे रखे, तो इनके ऊपर कितना आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है। इसके बाद कितने होते हैं, 6 दे कितने रखे हैं, 6, तो आ गया कितना मेरा, कितना आंसर आ गया यहाँ पे आपका, 6, 0 0 फॉर्मल चार्ज। आई होप सो आपको फॉर्मल चार्ज निकालने आ गया होगा। और NO2 मेरा ऑक्टेट कंप्लीट भी करता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट होते थे, ऑक्टेट भी कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं उसका फॉर्मल चार्ज, जैसे कि कोई ऑक्सो एनाइन के अगर मेरे को फॉर्मल चार्ज पूछ लेगा तो CO3-2-SO4-2-PO4-3-SO4-2-NO2-2-CLO2-CLO3-CLO3- इस तरीके CLO2- इस तरीके ऑक्सो एनाइन के जब आ जाएगा तो आपको इस तरीके से इनके फॉर्मल चार्ज निकालने। अगर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, -1, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो आपको 0, और ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से देखने को मिलेगा तो +1 देखने को मिलेगा, आपको निकालना है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है, एवरेज फॉर्मल चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है। जितने चार्ज है और जितने नेगेटिव चार्ज है उसके अपॉन में टोटल सेंट्रल आइटम से जुड़े हुए होंगे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, टोटल आइटम से सेंट्रल आइटम से जुड़े हुए हुए मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कितने आइटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल आइटम से, ठीक है। तो देख लो माइनस कितने चार्ज देखने को मिल रहे हैं, 2, और कितने आपको आइटम देखने को मिल रहे हैं साइड आइटम, आपको 3 देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको एवरेज फॉर्मल चार्ज निकालने आना चाहिए। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना काफी आसान है। आप बोलोगे क्या भाई बॉन्ड ऑर्डर बड़ी बात कर दी, तो इसमें बस कुछ नहीं, सेंट्रल आइटम और
साइड आइटम में आपको बॉन्ड देखने जैसे कि इसके अंदर देख लो 1 2 3 4 चार बॉन्ड है, और टर्मिनल आइटम कितने वो कर देना, आपका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंसी की, यहाँ पे बात करूंगा मैं कोवेलेंसी की। आपका बात होती है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन मेरा कोवेलेंसी बताता है, और कोवेलेंसी के बारे में मैंने बता दिया कि आपका जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है 4 बॉन्ड से ज्यादा आपके बॉन्ड बनाता नहीं है क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये चीज आपको नीचे लिख के दी दी है मैंने, आई थिंक सो आपको याद होगी। तो यहाँ पे मेरे बोरॉन के कितने सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं 3, और फ्लोरिन के कितने देखने को मिल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंसी आपको याद रखनी है। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है आपको लीनियर वगैरह सबके नाम आपको याद होने चाहिए, वो मैं स्पेशली एक इसमें बता दूंगा। एन एन बी एन एल एम, यहाँ पे एन और एम को निकालना है आपको। एन और एम को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे। O2 अगर दे रखा तो O2 के अंदर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए, ऑक्सीजन में 6 6 होते हैं, तो 6 + 6 कितना हो गया O2 की अगर बात करूँगा 6 + 6 मेरा 12 हो गया, 12/8 आ गया। तो 12/8 जब आ गया तो आपको इसमें क्वेश्चन और क्वेश्चन जो होगा मेरा क्या हो जाएंगे, एन हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, और रिमाइंडर मेरे जो होगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो आपकी एम की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, लोन पेयर देखने को मिल जाएगी। तो ए और बी की अगर मैं बात करूंगा तो ए जो है मेरा सेंट्रल आइटम है, और बी जो है मेरा साइड आइटम है, और एल जो है मेरा लोन पेयर बताता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको निकालने हैं। उसके बाद एच की अगर मैं बात करूंगा तो एच के अंदर और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अगर मैं बात करूंगा तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है ये बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करता जो हमने ऊपर किया। अब उसके लिए नया फॉर्मूला एन क्या हो जाता है मेरा नंबर ऑफ एच आइटम, जितने भी नंबर ऑफ एच आइटम है। उसके बाद एम की बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल आइटम, ओके अगर मेरा नाइट्रोजन होगा तो 4 होगा, ऑक्सीजन होगा तो 6 होगा, और उसको जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे रखे उससे माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपका एम यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और जब आप इसको एम को निकाल लोगे तो ये आपका आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा मेरा लोन पेयर बता देगा और एन आपका सिग्मा बॉन्ड बता देगा, ये चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और एन प्लस एम की यहाँ पे रूल अभी देख लेते हैं, एन प्लस एन यहाँ पे रूल आ गया 2 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7, ओके। तो इसमें जो है आपको देखना है sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d2, तो इनकी इनके जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो इनका अगर मैं स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए sp जो हाइब्रिडाइजेशन में आपको 2 ही सिग्मा देखने को मिल रहे हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लीनियर, इसके अंदर 0 लोन पेयर। sp2 की अगर मैं बात करता हूँ, इनके स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और हर बार गलत भी होते हैं मेरे से, तो ये याद मत रखना है ना। यहाँ पे 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो इसका नाम क्या आ जाएगा मेरा, इसका आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका आ जाएगा मेरा कितना वी शेप एंगुलर शेप, वी शेप जो कि एंगुलर रहेगा। ठीक है, उसके बाद sp3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेगी आपको, या तो 4 कार्बन देखने को मिलेगा जिसका शेप आएगा टेट्राहेड्रल, उसके बाद अगर 3 कार्बन 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा तो आपको आंसर आएगा पिरामिडल, क्या आ जाएगा पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर आपको 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर देखने को मिलेगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वी शेप्ड, वी शेप्ड और पेन शेप भी कह सकते हैं हम इसको, वी शेप और एंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं sp3d की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्बन आ जाएगा, 5 कार्बन को क्या नाम दूंगा मैं यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या दूंगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 5 को। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर अगर आ जाता है आपका तो सी सॉ शेप बनता है, सी सॉ शेप बनता है। उसके बाद अगर आपको 3 सिग्मा 2 लोन पेयर देखने को मिलते हैं तो आपका ऑलमोस्ट टी शेप, कैसा होता है ऑलमोस्ट टी शेप देखने को मिलता है, टी शेप देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर देखने को मिल जाएंगे तो लीनियर शेप देखने को मिलेगा, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना लास्ट वाला 2 और 3 वाला इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा कीचड़ बीचड़ हो गई है, इसको मैं आपको टेबल के फॉर्म में तो दे ही दूंगा, मैं अभी एक रिविजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं अभी हम रिवीजन, इसलिए क्योंकि आपको इनके रिवीजन इसलिए क्योंकि आपको इनके नाम याद रखने हैं, जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे 5 वाले के साथ कितना ट्राइगोनल पिरामिडल, 4 और 1 लोन पेयर सी सॉ, और 3 और 2 आपको क्या हो जाएगा टी शेप, और 2 और 3 आपका लीनियर। इसके बाद इसकी बात करते हैं 6 लोन पेयर देखने को मिलेंगे तो आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, या फिर ऑक्टाहेड्रल, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 और 1 देखने को मिलेगा, 5 और 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा तो मेरा कैसा हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल डिस्ट्रॉटेड ऑक्टाहेड्रल भी देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आपको 4 सिग्मा 2 लोन पेयर अगर बात करते हैं तो स्क्वायर प्लेनर, क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे अगर 7 की बात करूंगा, 7 मेरे केस होता है पेंटागोनल हेक्सागोनल,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ओके, ये स्क्वायर बाइपिरामिडल पेंटागोनल, और इसमें जो फाइव वाला था वो मेरा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, इस तरीके से नाम याद रखने हैं आपको। सेवन के बाद अगर मैं बात करूँ सिक्स सिग्मा वन लोन पेयर आपका आ जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ओके। और फाइव और टू अगर देखने को मिल जाएगा, फाइव सिग्मा वन टू लोन पेयर आपका पेंटागोनल प्लेनर, क्या आ जाएगा पेंटागोनल प्लेनर। तो प्लेनर वाले भी याद रख लो कौन कौन से प्लेनर आ जाएंगे, टू और फाइव और टू वाले मेरे प्लेनर आ गए, फोर और टू वाले मेरे प्लेनर आ गए। उसके बाद और कहाँ पे प्लेनर देखा था हमने, प्लेनर तो कहीं देखा ही नहीं। यहाँ पे थ्री और थ्री का जो है ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक आ गया थ्री सिग्मा वाला मेरा ट्राइगोनल प्लेनर, बाकी कोई प्लेनर हमें देखने को नहीं देखने को मिला, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके नाम याद रखने, आई होप सो आप याद रखोगे और आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाला याद होगा तो इसके अंदर आपको इसकी वैलेंसी वगैरह अगर आपको याद होगी तो आपको वो भी चीज याद करवानी पड़ेगी क्या, मेरे को बता दीजिए, आई होप सो नहीं करवानी पड़ेगी। तो आपको जो है आपको यहाँ पे बता दिया था, अगर आपको एसपी थ्री अगर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगा, पहले एसपी थ्री से करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके का कॉन्फिग्रेशन देखने को मिलता है इनका। और उसके बाद डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आपका डी डी एक्स वाई, क्या आ जाएगा डी एक्स वाई, इस तरीके से आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और आपका एस प्लस पी पी एक्स प्लस पी एस एस प्लस पी आ जाएगा यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है। और यहाँ पे पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, एस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है, एस तो रहेगा ही रहेगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उस बस इसके अंदर आपको ये चीजें ऐड करते जानी है, आई होप सो आपको याद होगी। आई नो यहाँ पे आपको गंदा दिख रहा है, पर जैसे हमने धीरे धीरे से लिखोगे, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसको याद ध्यान में रखोगे तो इम्पोर्टेंट आपको चले जाएगा। कोवेलेंसी की वजह से कि मैंने ऊपर भी बात की थी कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कैन नॉट बी ऑन फोर बॉन्ड से, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल आपको देखने को नहीं मिलता। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करता हूँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो जितने भी बॉन्ड आपको मैंने इस तरह दे रखे हैं, इसके अलावा कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते नहीं है, ठीक है, तो इनको याद रख लेना। ओ थ्री एन ओ थ्री माइनस एच थ्री ओ प्लस बी एच फोर माइनस एन ओ टू एन एच फोर प्लस पी सी एल सिक्स पी एच फोर प्लस बी एफ थ्री एन एच थ्री एन सी एच थ्री थ्री डॉट ए एल सी एल थ्री, ये हमारे क्या करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे, बॉन्ड एंगल वीएससी पीआर थ्योरी से कर देना, लीनियर शेप जो कि थीटा अगर आपको 180 देखने को मिलेगा तो आपके सबसे बॉन्ड एंगल उनके सबसे ज्यादा होंगे, तो लीनियर शेप मेरे को दो ही देखने को मिलता है इस तरीके के। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखना, जिसके एसबी हाइब्रिडाइजेशन इसके एसबी टू और एसबी थ्री, तो एसबी को सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल दे देना। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिले, अगर आपका लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कैसा होगा कम होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन में देख लो नंबर ऑफ द लोन पेयर, अगर अगर आपके नंबर ऑफ द लोन पेयर भी सेम हो जाए ठीक है, तो उसमें साइज देख लेना, साइड आइटम की अगर साइज ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, अगर आपकी सेंट्रल आइटम की साइज कम होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। अगर सेंट्रल आइटम की अगर आपको सेंट्रल आइटम अगर आपको साइज ज्यादा देखने को मिलेगी तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और साइड आइटम की साइज अगर कम देखने को मिलेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा, वाइस वर्सा भी ये चलता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादातर जैसे इस तरीके से दिया है ना वही तरीके से देखने को मिलता है कि आपका साइड आइटम का साइज ज्यादा होता है सेंट्रल आइटम से, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और सेंट्रल आइटम की साइज कम होती है इसलिए उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है मेरा कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एसपी, अच्छा ये तो आ ही गया जिस तरीके से मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसपी एसपी पी एक्स पी वाई, उसके बाद एसपी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड ओके, तो और इसके बाद एसपी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी सी स्क्वायर, आई थिंक सो ये गलत दे रखा है आपको, ये गलत है, एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है ये आ जाएगा। उसके बाद पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड पी जेड स्क्वायर, और ये वाले जो लास्ट वाले जो टर्म दे रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बता ही दिया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद साइड आइटम और यहाँ पे ओवरलैपिंग की यहाँ पे बात चल रही है, तो ओवरलैपिंग देख लो, एच एच हाईएस्ट ऑक्सीडेशन साइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन आपकी देखने को मिलेगी सिग्मा, एच ओ और प्योर अगर देखने को मिलेगी हाइब्रिडाइजेशनल और प्योर देखने को मिलेगी सिग्मा, प्योर प्योर में सिग्मा और पाइपन दोनों भी देखने को मिलते हैं, एस 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 पी और पी पी जो है आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। वीबीटी नॉट कंसिडर एक्सेप्ट वीबीटी एच टू और एच एफ में आपको वीबीटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
टाइप्स ऑफ द ओवरलैपिंग की बात करेंगे, नंबर ऑफ द आईएनए मतलब इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन की यहाँ पे बात कर रहा है। तो को एक्सल की अगर मैं बात करूँ सिग्मा फॉर्मेशन होता है, को लैटरल की अगर मैं बात करूँ पाई का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो ये नेट नोट्स तो बहुत गंदे हैं यार। नेक्स्ट बात करेंगे एसएस की, अगर मैं बात करूँ एसएस में आपको सारे सिग्मा देखने को मिलेंगे। पीएस और पीएक्स की अगर मैं बात करूँ, जो जो आपको एक्स कॉमन एक्सेस दिख रहा है उसमें सिग्मा बनेगा, बाकी सब में जीरो। सेम चीज वाई में कर देना, बाकी सिग्मा जीरो। उसके बाद पीएक्स पीएक्स अगर देखने को, जो एक्स दे रखा है उसके अंदर आपको सिग्मा देखने को मिलेगा, बाकी के अलावा के अंदर आपको पाई देखने को मिलेगा। पीवाई पीवाई में भी सेम चीज, वाई के अंदर आपको सिग्मा, बाकी सब में पाई देखने को मिलेगा। पीएक्स पीवाई अगर आ गया तो पीएक्स पीवाई में कुछ भी नहीं बनता है, पीएक्स पीवाई में जीरो बनते, कोई भी पॉइंटिंग नहीं बनती। px प्लस dxy, dxy अगर आ गया तो dxy में इन दोनों में कॉमन जो होगा वो मेरा सिग्मा बनाएगा, जो कॉमन होगा वो मेरा क्या बनाएगा, अनकॉमन होगा जो मेरा पाई बनाएगा, और जो बाकी के बचे हुए जीरो बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि px और dxy yx तो अनकॉमन है, z मेरा तो z मेरा पाई बनाएगा, बाकी सब मेरे जीरो बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं dxy dxy जो दोनों आ जाएंगे, कॉमन पर पाई लगा दो और बाकी के पर सिग्मा, तो कॉमन कितने xy मेरे पाई आ जाएंगे, बाकी के ऊपर सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो hcl की आप आ जाती है, en बढ़ेगा तो आपका u इज इक्वल टू जीरो मतलब नॉन पोलर, u नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलर। तो लोम्पिया डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंट्रल एटम और द मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलती है। यू इक्वल टू जीरो नॉन पोलर आ जाएगा, तो जीरो जीरो देख लेना, जितना भी जीरो आपको देखने को मिलेगा वो, और आपके कुछ एक्सेप्शन एटम जो ए बी टू एल थ्री जो है, मेरा लीनियर स्ट्रक्चर आपको बता दिया था मैंने। तो उसके बाद ए बी फोर एल टू, ए बी फोर एल टू क्या जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बता दो। सी ए बी फोर एल टू का यहाँ पे बात जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और उसके बाद ए बी फाइव एल टू की अगर मैं बात करूंगा तो पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर प्लेनर जो स्ट्रक्चर थे वो सारे ही मेरे नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, सारी प्लेनर है, ये दोनों भी मेरे प्लेनर है, प्लेनर, तो ये मेरे पेंटागोनल हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट आपको पता है ना, जितने आपको बॉन्ड देखने को मिल जाए उतना पॉइंट समथिंग डायपोल मोमेंट आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से भी काम कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ ऑर्डर है डायपोल मोमेंट के, आपको याद रखते हैं। अगर आपको सी सी एल थ्री और सी एफ थ्री में आपको सी एस थ्री सी एफ इस तरीके से देखने को मिल जाए तो आप इंटरचेंज करके इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर दे देना। उसके बाद पोलर ज्यादा होता है नॉन पोलर से। ठीक है, उसके बाद सी एस थ्री सी एल की अगर बात करें तो जितने भी एच जिसके अंदर एच ज्यादा देखने को मिलेगा वो ज्यादा मेरा पोलर रहेगा, जिसके अंदर एच कम देखने को मिलेगा वो मेरा नॉन पोलर होगा। उसके बाद एच टू और एच एफ की अगर मैं बात करूँ, ऐसे तो ये एच टू जो है मेरा दोनों भी नॉन पोलर होते हैं, पर एच एफ का जो है मेरा ज्यादा होना चाहिए पोलैरिटी, पर यहाँ पे एनसीईआरटी में ये दे रखा है तो आपको ये, और बाकी ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एच थ्री ग्रेटर देन एन एफ थ्री इस तरीके से आ जाएगा, एच टू ओ ग्रेटर देन एच टू एस के ग्रेटर से आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमओटी की, अगर मैं बात करूंगा एमओटी आपको याद रखना है, 1 2 1 1 2 2 1 अगर जाएगा तो एसपी मिक्सिंग नहीं होगा, 2 1 2 1 अगर जाएगा तो एसपी मिक्सिंग हो जाएगा। तो ये आपका कैसे रहेगा 2 1 2 1 आपको कॉन्फिगरेशन, जहां तक तो आठ के आठ पूरे लड़ मरे। आपको बस पूछेगा कि ए बी ओ बी एम ओ में, और बी एम ए जो होता है एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, और बी एम ओ मेरा बॉन्डिंग हो जाता है मॉलिक्यूलर, तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें बस ए बी एम ओ और एंटी बॉन्डिंग आपको पता होनी चाहिए, और ये पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। मेरे को लर्न है, आपको भी लर्न होना चाहिए। एक से लेकर आठ तक अगर बात करें तो ऑल इलेक्ट्रॉन की सारी 0.5 होती है, इवन नंबर में 2 और 6 की 1 होती है, और 4 और 8 की मेरी 0 बॉन्ड ऑर्डर होती है। उसके बाद 9 से 14 की अगर मैं बात करूंगा तो 9 से 14 को 0.5 का ऐड करते रहो, ओके। और आपको अगर 15 की बात करना है 14 से लेके 15 तक तो 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते रहो, मतलब ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और 14 का कितना होता है मेरा 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, इसलिए बता रखा है। इवन बॉन्ड ऑर्डर मेरे कैसे होते हैं डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर मेरे पैरामैग्नेटिक। इसमें एक्सेप्शन जो है मेरे बेरिलियम O2 एंड H2, ये मेरे एक्सेप्शन है, ये मेरे डायमैग्नेटिक होने चाहिए थे क्योंकि इनके अंदर इवन बॉन्ड ऑर्डर आता है, पर ये मेरे कैसे है पैरामैग्नेटिक। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है क्या चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ी फार। उसके बाद एच प्लस और एस माइनस जो कि पार्शियल सिग्मा पार्शियल बॉन्ड देखने को मिलता है, इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ पे बात करूंगा। इंटर के अंदर आपको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, इंट्रा के अंदर कम देखने को मिलेगा। इंटर लेस वोलेटाइल होते हैं, इंट्रा मेरे मोर वोलेटाइल होते हैं। विस्कोसिटी मेरी इंटर की ज्यादा होती है, इंट्रा की कम होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर लो, ये वाले जो ग्रुप की बॉइलिंग पॉइंट है हमेशा पूछे जाती है एग्जाम में, तो प्लीज इसको देख लेना। तो यहाँ पे चलता है 211 जो कि 15, 16, 17 में बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे चलती है, 15, 16 में 211
2 1 1 लगा लो, बाकी सब में आप क्या कर लेना, नीचे से शुरू करना, ठीक है। तो अगर मेरा 2 ऊपर चला गया तो नीचे 1 2 तो चला गया, 3 4 इस तरीके से। मेरा यहाँ पे 1 दे रखा है तो 2 3 4, ओके, यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ पे 2 3 4, इस तरीके से आपको करना है। मेल्टिंग पॉइंट में आपको बस ये क्या करना है, 2 को लास्ट में डालो, 1 1 2 डाल दो, इसी तरीके सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। और आपकी ये 1 2 3 4 क्या है, मेरा 1 बड़ा हो जाएगा 2, इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पे बता रही, फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, इस तरीके से आपकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक के बारे में इतना नहीं दे रखा, आयनिक का बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपको क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आयनिक बॉन्ड को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपका पूरा शॉर्टनर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का खत्म होता है, केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।